तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे यार। फाइनली भाई, आज का हमारा व्लॉग ये यार, आज हम जा रहे हैं जार शरीफ पे। तो फाइनली हमारे साथ अभी हमारे नवाब भाई हैं, तो हम अभी घर से हेलो निकल चुके हैं गाइस। भाई। तो बताएंगे आपको आगे क्या होने वाला है आज के व्लॉग में। आज हम मतलब आज का दिन उधर ही जार शरीफ पे गुजारना है पूरा दिन। चलो बने रहो हमारे साथ हमारी वीडियो में, बताएंगे आगे क्या होने वाला है। तो फाइनली भाई यार, अभी हम जा रहे हैं। सामने देखो रात को कितनी बर्फ पड़ी यार, अभी बहुत ठंड है। मतलब इधर इतनी ठंड है ना, क्या बताएं आपको। मतलब एक नहीं दो जैकेटें लगा के भी बहुत कम है, इतनी ठंड है। देखो सामने रात को बर्फ पड़ी हुई है, देख सकते हो आप। अरे भाई, तो फाइनली भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जार शरीफ पे। देख सकते हो जार शरीफ का व्यू माशाल्लाह कितना अच्छा आ रहा है। तो अभी हम जार पे गए थे दुआ शो मांगने के लिए, तो अभी हम आए वापस। लेकिन याद रखें, मैं आ जाए तो वो करामत नहीं कहलाती है, जो अकल में नहीं आए उसी को करामत कहा जाता है। यह उन्हें इकराम की शान है कि अल्लाह उनको करामत के जरिए से उनकी इतना। तो फाइनली भाई लोग यार, देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब जो अभी आएंगे लोग उनके लिए यहाँ के तबरुक बन रहा है, देख सकते हो आप नीचे। मुफ्ती साहब का बयान होना है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये बाहर जो मजार शरीफ के सामने खड़े हैं, अगर ये तो शरीफ में आए हैं, ये जल्दी जल्दी उनकी यहाँ तमीज नहीं होती है। बड़े बलियों के यहाँ तमीज नहीं होती भाई, ये तो तमीज बली ही की तरह से होगी कि सही क्या है गलत क्या है अलग बात है, उनकी तबलीग करने का अंदाज अलग है, रास्ते पे खाने के तरीके कार अलग है। तो याद रखिए, वली वो होगा जिसका अकीदा बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसके अकीदे में किसी तरीके के सुलह कुलिया की गर्द गुबार ना हो, बिल्कुल साफ शफाफ उसका अकीदा होगा। वली का जब अकीदा साफ होगा, अकीदे में कोई खराबी नहीं होगी, अकीदे में कोई अमेजिश नहीं होगी। अकीदा साफ होने के बाद दूसरा नंबर आता है अमल सालेह का, दूसरे नंबर आता है तकवे का। तकवे के तीन दर्जे आप हाजिर है ना, तो जो मेरी तरफ है तकवे के कितने दर्जे, कितने दर्जे, तीन। पहला दर्जा है तकवा का, जिसको हम तकवा लुगवी कहते हैं डिक्शनरी के एतबार से। तकवा उसका मतलब ये होता है अपने आप को बचाना। किसे बचाना? जो बंदा कलमा पढ़ लेता है, जो मुसलमान हो गया वो भी मुत्तकी है, यानी हर कलमा को मुसलमान, चाहे वो कितने गुनहगार क्यों ना हो, वो क्या है मुत्तकी है। वो मगर है लुगवी एतबार से, लुगवी एतबार से मुत्तकी उसको कहा जाता है कि जिसने कलमा पढ़ा दायरे इस्लाम में।